नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधिविष्ट। आजकल जागेश्वर धाम में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रोजाना शाम 6 बजे मंदिर का मुख्य गेट बंद कर दिया जाता है। लेकिन शनिवार को यूपी से दर्शन करने आए भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप समय सीमा बीत जाने पर भी मंदिर से बाहर नहीं निकले। मंदिर समिति के उनसे अनुरोध करने पर सांसद मंदिर में ही गाली गलौज और धक्का मुक्की में उतर आए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बीजेपी सांसद के द्वारा जागेश्वर धाम में इस तरह से गाली गलौज करने पर उत्तराखंड के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कर्मचारी नेता दीपक जोशी ने साफ तौर पर कहा कि हम उत्तराखंडी हैं। ऐसे में आज राज्य के प्रतिष्ठित और आराध्य जागेश्वर धाम में जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, जिन्हें एक सांसद के रूप में बताया गया है, उन्हें सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो में धाम के पुजारी और अन्य स्थानीय लोगों के साथ बदसलूकी, भद्दी और बेहुदी गाली और सरेआम गुंडागर्दी करते हुए देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये देवभूमि को कलंकित करने वाला गंभीर मामला है। ये इस राज्य के लिए बेहद शर्मनाक है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ के मंदिरों के सम्मानित पुजारियों व स्थानीय निवासियों से इस तरह से अपनी सत्ता की धौंस में बदसलूकी कर उनके आत्मसम्मान को आघात पहुँचाए और हम मूक बधिरों की तरह सहते रहें। ऐसे जनप्रतिनिधियों को माकूल प्रत्युत्तर देना हम सभी को बखूबी आता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।